फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में पौष्टिकता से परिपूर्ण अपनी बेटी के रिक्वेस्ट पर बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। ये कैसे बनता है, इसमें हम क्या क्या फल डालेंगे, आइए देखते हैं रीना रसोई में। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के इन्ग्रीडियंट्स। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने 2 केला लिए हैं। इसे फ्रूट की कोई क्वांटिटी नहीं होती है। और हम 4 चम्मच शक्कर का प्रयोग करेंगे। कस्टर्ड लेंगे, कस्टर्ड पाउडर हम 2 चम्मच लेंगे। थोड़ी सी चेरी लेंगे, थोड़ा सा अनारदाना लेंगे, 1 सेब को छील कर हम काटेंगे, थोड़ा सा ग्रेप्स का बंच लेंगे, थोड़ा सा काजू लेंगे, थोड़े से बादाम लेंगे। मेन इंग्रेडिएंट इसका दूध है। 1/2 लीटर हमने दूध लिया है। दूध को गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया है। हमारा दूध 5 से 7 मिनट इसको हम इसी तरह से उबालेंगे। अब हम कस्टर्ड बनाने के लिए 1 कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड लेंगे। 2 चम्मच हमने इस तरह से भर भर के कस्टर्ड लिए हैं। कस्टर्ड बनाना के लिए ये जरूरी है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। पहले बहुत ज़्यादा दूध एक साथ हम नहीं डालेंगे। इस तरह से इसको हम मिलाएंगे। थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। इस तरह से इसको हमको फेंट कर तैयार करना है। थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। जब इस तरह से लम्स नहीं पड़ेंगे, पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा, तो इससे आपका कस्टर्ड का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। अब हमारा दूध गर्म हो गया है। अब इसमें हम पहले 3 से 4 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। हम इसमें 4 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर के मेल्ट होते तक हम इसको पकाएंगे। शक्कर देखिए हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमने दूध को 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर पका लिया है। इससे हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम धीरे धीरे जो हमने कस्टर्ड को दूध में फेंटा है वो डालेंगे। गाढ़ा होने तक इसको हम पकाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये अभी हम आपको बताते हैं। हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। हमने इसको अभी थोड़ा सा पतला रखा है, क्योंकि ये ठंडा होने पर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से इसको थिक मत करिएगा, नहीं तो आपका ठंडा होने पे बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा और देखने में भी खराब लगेगा। हमने इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। गैस को बंद कर देंगे। हमने कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म अच्छा नहीं लगता है। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को काट कर तैयार करेंगे। हमने फ्रिज में इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था। हमारा कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो गया है। कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है। देखिए, जब हमने रखा था वो पतला था, अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इतना गाढ़ा होना चाहिए। हमने थोड़ा पतला रखा था फ्रिज में, ठंडे होने के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है। इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें अपने फ्रूट्स डालेंगे। अब सबसे पहले हम सेब डालेंगे, सेब के बाद हम अनार डालेंगे।
फ्रूट्स अपने हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ग्रेप्स, अंगूर। अब इसके बाद हम केला डालेंगे, थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। थोड़े से हम इसके ऊपर सर्व करते वक्त डालेंगे, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। इसको ठंडा ठंडा अब हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकालेंगे। थोड़ी सी हम यूँ टूटी फूटी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए। ये कई कलर में आती हैं, हम रेड कलर में लाए हैं, थोड़ी थोड़ी हम ये डालेंगे। देखा आपने, फटाफट हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप किसी तरह का भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको फ्रिज में ठंडा करिए, फिर ठंडा करके सर्व करिए। यदि हमेशा की तरह आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।